पूतना जो है कन्हैया जी को आंचल पिलाने लग गए, भगवान ने भी आंचल पीना शुरू कर दिया। अभी पूतना का मन भगवान के बारे में अच्छा है, माँ भाव है, मातृभाव, और उस मातृभाव की वजह से भगवान का भाव भी पुत्र वाला है। जैसे ही पूतना का भाव बदला, पूतना को याद आई कि मैं तो कंस से वचन दे के आई हूँ और मैं कहाँ इसको अमृत पिला रही हूँ, मैं तो मर जाऊंगी, कंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पूतना के मन में कपट आया, जैसे ही कपट आया उसके दूध में विष पैदा हो गया विचारों के कारण। विचार और आहार से शरीर में रक्त का संबंध है, रक्त का, दूध का। इसीलिए अच्छा सोचने वालों के पास, अच्छा बोलने, अच्छा खाने, अच्छा कमाने वालों के पास ही बोलो, चालो और बैठो। जिनके पास अच्छा ही नहीं है, अच्छा कमाते नहीं है, अच्छा बोलते नहीं है, उनके पास बैठना भी खतरे से खाली नहीं है। चाहे कोई 1,000 करोड़ रुपए रोज कमाता हो, पर अच्छी तरह से, तरीका ठीक हो, आप रोज उनके पास बैठो। पर जिनका तरीका गलत है, उनके पास बैठोगे तो आप एक दिन फंसोगे, परेशान होंगे। पूतना ने कपट किया तो भगवान ने कंट्रोल कर लिया कंठ को। भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, पूतना ने मुझे पुत्र रूप में सेवा दी है, चाहे क्षणिक दी है, आइए पूतना का उद्धार कीजिए। शंकर भगवान आए और पूतना के आंचल के विष को प्राण सहित पी गए। शिवजी ने भगवान की सेवा का फल पूतना को दिया कि उसका उद्धार कर दिया, पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना जी को यमुना जी के रेत में गाढ़ा गया, नीचे दफनाया गया, दवा दिया उसको। अब तो भगवान अपवित्र हो गए, ऐसा हल्ला मच गया। नंद बाबा को पता चला घर में ऐसा हादसा हो गया छठी पूजन में, तो नंद दौड़कर आए। नंद बच्चे को गोद में लेकर के यूं हाथों पे लेकर गौशाला लेकर गए। अभी देखो मुझे 15 मिनट हुआ, 15 मिनट पहले मैं गौ की प्रशंसा कर रहा था और 15 मिनट में फिर गौशाला आ गई। कुल मिलाकर के ये कथा ये कह रही है भागवत जी की, कृष्ण भगवान को बचपन में पहली बार संकट ने घेरा तो गौ माता ने ही भगवान को पवित्र करने का काम किया, शुद्ध करने का काम किया। ये जो बच्चों को नजर बजर लग जाती है ना, इसमें अपन दादी से, मौसी से, किसी मुल्ले से, किसी पंडित जी से गंडा तावीज आदि बदे, ये सब न करवाएं, ये सब न करवाएं। तो एक जगह गौ माता ऐसी है कि बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा ज्यादा रोता है। तो मैं आपको सच कहता हूँ, आप निरंतर 7 ही दिन ले जाओ गौ माता की, दर्शन करा के, परिक्रमा करा के ले आओ गौ माता की, बस नजर उतर गई ये समझ लो, आपको अलग से टोटका करने की जरूरत नहीं। गाय सारी अलाय बलाय, धरती पूरी धरती की अलाय बलाय गाय ले लेती है, तो तुम्हारे बच्चे की भी अलाय बलाय गाय ले लेगी। ऐसा सोचकर इसी विश्वास के साथ में नंद जी अपने लाला को गौशाला ले गए। अब कथा ये कहती है कि नंद कोई अनपढ़ ऐसे तो नहीं थे, जिनका इतना बड़ा व्यापार था दूध का, घी का। बनिया जाति का आदमी अनपढ़ भी पढ़ा लिखा जैसा ही होता है। इतना बड़ा व्यापार, जिनका कंस जैसे राक्षस के साथ में तालमेल, कितने चतुर होंगे। पर सज्जन थे, सीधे थे, गौ माता पर अटल विश्वास, हनुमान जी की भक्ति करते थे नंद बाबा।